हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का। आज की इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में, मैं आपको एक चूर्ण बताने वाला हूँ कि आप उसको घर में बना के रख लीजिए। सेकंड, मैं आपको बताने वाला हूँ एक होम्योपैथिक ड्रॉप जो कि आपकी पेट की समस्याओं को ठीक करने में काफ़ी अच्छी वो मेडिसिन आपको लगेगी। खास करके अगर आपको प्रॉब्लम रहती है पेट से संबंधित, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, एसिडिटी आपको बहुत ज़्यादा बनती है, खट्टा पानी आता है या फिर आपके सीने में जलन होती है, इवन पेट भी फूलता है, तो सबसे पहले हर वीडियो की तरह मैं इसमें बताना चाहूँगा ये सारी चीज़ें आप लाइफ स्टाइल से भी जुड़ी होती हैं। 50% अगर मेडिसिन काम करेंगे तो 50% आपको अपना लाइफ स्टाइल भी ठीक करना हो। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, कोई भी ऑयली चीज़ ज़्यादा मत खाइए, खाने के बाद टहलना बहुत जरूरी। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं हर वीडियो में आपको जरूर बताता हूँ। तो चूर्ण बनाने के लिए आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, किसी अच्छे वेब का वीडियो देख के आप चूर्ण बना सकते हैं। सिंपली आप सेंधा नमक ले लीजिए और काला नमक ले लीजिए, हींग को बहुत बारीक मात्रा में उसको पीस लीजिए और इसके साथ साथ आप छोटी हरड़ ले आइए और इन सबको एक जगह अच्छे से पाउडर बना लीजिए। इसको अच्छे से पीस लीजिए, काफ़ी महीन पीस लीजिए और आप इसको छान के डिब्बे में बंद करके आप इसको रख लीजिए जिसमें हवा ना लगे। और खाना खाने के बाद इन सब की क्वांटिटी आपने इक्वल रखनी है, बस एक की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। इन सबको आपने एक डिब्बे में बंद कर रखना है और खाना खाने के बाद दिन में 1 से 2 बार आप इसको गुनगुने पानी के साथ खाना स्टार्ट कीजिए। आपको जो जो मैंने समस्याएं बताई हैं, इवन कॉन्स्टिपेशन भी आपका इस मेडिसिन से, ये जो चूर्ण मैंने आपको बताया, इससे क्लियर हो। अब आती है बात, होम्योपैथिक मेडिसिन चाहते हैं जी हम, सुबह सुबह जो कैप्सूल खाया जाता है एलोपैथिक, उसको हम खा खा के थक गए हैं। तो होम्योपैथिक में एक मैं ड्रॉप आपको बताने वाला हूँ, चलिए ड्रॉप की तरफ। दोस्तों ये ड्रॉप है मेडिसिन कंपनी की, गैसगन ड्रॉप के नाम से, गैसगन फूड के नाम से आपको ड्रॉप मिलेगी। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, खास करके गैस की समस्याओं को ठीक करने के लिए बनाई गई है, जिनको इनडाइजेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तेजाब बहुत ज़्यादा बनता है। और देखते हैं हम इसको कहाँ कहाँ पे, अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, डिस्पेप्सिया वाली कंडीशन है, खट्टा पानी मुंह में आता है, टकारे बहुत ज़्यादा आती है, पेट में दर्द रहता है, इनडाइजेशन आपको रहता है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो उस सबको ये ठीक करने की क्षमता रखती है। इसके अंदर आप देखेंगे 3 मेडिसिन इन्होंने दी है इस कंपनी में। ये खास बात है कि इसकी जो मेडिसिन हैं, ज़्यादा ये मेडिसिन नहीं देते हैं किसी पेटेंट में, इसमें आप देखेंगे 3 ही मेडिसिन है, कार्बोवेज, कॉल्चिकम और नक्स वोमिका। तीनों जो मेडिसिन है ये 1 mg पावर में, मतलब 1000 पावर में, और इसके हम डोज जान लेते हैं। तो थोड़े से पानी में, पीने की ड्रॉप है, सिरप नहीं है, तो थोड़े से पानी में 2-3 चम्मच पानी आप ले लीजिए और इसके आपने 10 से 15 बूंदें डालनी है। कंडीशन के हिसाब से आप लीजिए, अगर कम प्रॉब्लम है तो आप 10 बूंदें तक डाल लीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसके 15 बूंदें डाल लीजिए। और आप इसको दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, आप इसको खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। और इस दवाई का ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको कंटिन्यू अपने घर में रखें। छोटे बच्चों को देनी है तो आप इसको हाफ डोज दीजिए, इसकी आधी मात्रा में आप बच्चों को दे सकते हैं। होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी, 150 रुपये की शीशी मिलेगी जो कि आपकी कई दिन तक चल जाएगी। इस दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, अपना लाइफ स्टाइल आप ठीक रखेंगे, चूर्ण बना के आप रखेंगे तो आपको जो एसिडिटी की समस्या है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। बस आपको अपना लाइफ स्टाइल जरूर ठीक रखना होगा और अपने लीवर को भी सही रखना होगा, अपनी जो दिनचर्या है उसको आपने ठीक रखना होगा। जो मैंने गैस के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं उनको भी आपने फॉलो करना है, कि आपको क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी है, इन सारी चीज़ों में आपने विशेष ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।